हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने क्या है, एक रिले है जो बॉक्स टाइप रिले होती है। इनके आप कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसके क्या है, चार पॉइंट होते हैं। एक होता है हमारा 1, 2, 4, 5, ठीक है, चार इसमें टर्मिनल होते हैं। इसमें क्या होता है, 4 दिए होते हैं और इसमें 5, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो इसमें जो कैपेसिटर का यूज होता है, एक होता है हमारा रनिंग कैपेसिटर, दूसरा होता है स्टार्टिंग। तो उनको आप कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, और प्लस इसमें जो कंप्रेसर के जो वायर आते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, वो कहाँ अटैच कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो ये क्या है, ये आपके सामने अभी कैपेसिटर है, ठीक है। तो मैंने ये आपको बस समझाने के लिए ये वाला कैपेसिटर ले लिया है, रनिंग कैपेसिटर, ये 10U का है, ठीक है। 10U का लगता नहीं है, ये फ्रिज में लगता है 10U का, ठीक है। अगर कंप्रेसर में लगाना है तो आपको वहां पे क्या है, 50U या फिर 45U का कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या है, आपको बस समझाने के लिए ये वाला कैपेसिटर यूज किया है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है वो हमारा लगता है 100-120 में, ठीक है, या 80-120 हो, 80 या फिर 100 का होगा, या फिर 100-120 का कैपेसिटर यूज होता है, जो 100-120 mFD का है, इसका यूज होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर, यही यूज होता है। तो सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पे लाइन न्यूट्रल आपको देके दिखाता हूँ कि लाइन न्यूट्रल कहाँ आएंगे, फिर उसके बाद मैं कैपेसिटर एक एक करके आपको कनेक्शन उसके बताऊंगा, प्लस उसके बाद कंप्रेसर के कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है वो कहाँ कहाँ पे अटैच करनी है आपको। तो ये जो है लाइन न्यूट्रल है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फेस होगा हमारा फेस, वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो जहाँ पे चार टर्मिनल है और इस पे 4 लिखा है, वहां पे हम फेस देंगे। ये जो फेस है यहाँ पर अटैच कर देना है, फेस यहाँ गया, और प्लस न्यूट्रल, न्यूट्रल जो है 5 नंबर पाएगा। लाइन न्यूट्रल हमने दे दिया, ठीक है, फेस ये आ गया, न्यूट्रल ये आ गया। अब हम कैपेसिटर का, जो कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर है, उसके वायर कहाँ जाएंगे और उसके कनेक्शन कैसे होंगे, वो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैंने क्या है, रनिंग कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, ये रनिंग कैपेसिटर है। तो इसका एक जो थिम्बल होगा वो एक इधर दे देंगे, इस साइड जहाँ पे चार पिने हैं यहाँ पे रनिंग वाला, और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो 2 नंबर पे जाएगा, ये जो देख रहे हैं आप 2, ये वाला जो थिम्बल है वो इस साइड दे देना है। अब हमें जो कैपेसिटर है वो उसका यूज करना है, ये रनिंग कैपेसिटर हो गया, यहाँ तक जो कनेक्शन है वो आपके क्या है, यहाँ पे फेस हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। ये वाला जो वायर है ये फेस का है और ये न्यूट्रल है, ये जो कैपेसिटर के वायर है ये हमारे रनिंग कैपेसिटर के वायर है। अब हम स्टार्टिंग जो कैपेसिटर है उसको हम कनेक्शन आपको दिखाएंगे। ये जो दो वायर है स्टार्टिंग कैपेसिटर के, एक जो पॉइंट है हमें 4 नंबर पे देना है इसके, ये वाला पॉइंट यहाँ पर अटैच कर देना है 4 नंबर पे। दूसरा वाला जो रह गया इसका वायर स्टार्टिंग कैपेसिटर का, वो हमें 1 नंबर पे देना है, ये जो 1 नंबर देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसमें अटैच कर देना है। यहां तक क्या है, न्यूट्रल हो गया, फेस हो गया, और ये दोनों वायर हैं जो रनिंग वाला कैपेसिटर, एक पॉइंट हमने 4 नंबर पे लगा दिया, और दूसरा वाला जो रनिंग का जो दूसरा वाला पॉइंट गया वो 2 नंबर पे, और स्टार्टिंग का जो है एक 4 पे है और दूसरा वाला है वो 1 पे है, ठीक है। अब जो कनेक्शन रह गए हैं वो है कंप्रेसर, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कहाँ कहाँ आपको देना है, उनके कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो 3 वायर है ये कंप्रेसर के हैं, ठीक है, ये हमारा कॉमन है, वाइट वाला कॉमन है, और जो ब्लू वाला है वो हमारा रनिंग है, ठीक है, और ये जो है स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम कॉमन वायर देते हैं, जो हमारा जो कंप्रेसर से आया है वो कॉमन वायर हमें यहाँ पर दे देना है, जो न्यूट्रल है यहाँ पे हमने अभी न्यूट्रल दिया, यहाँ पर कॉमन वायर दे देना है कंप्रेसर के, ये जो है 5 नंबर पे, ठीक है, जहाँ पे हमने न्यूट्रल दिया है। अब जो फेस वायर दिया है ये हमारा जो रनिंग वायर है, जो कंप्रेसर का रनिंग वायर आता है, वो हमें इस साइड दे देना है यहाँ पर, ठीक है, इस वाले टर्मिनल पे। ये वाला हमारा जो हो गया रनिंग वायर हो गया, और ये वाला जो वाइट वाला है वो कॉमन हो गया कंप्रेसर का, ठीक है, ये रनिंग हो गया और ये कॉमन हो गया, ये रनिंग, ये कॉमन, और रह गया स्टार्टिंग। स्टार्टिंग जो वायर है वो आप देंगे जो रनिंग कैपेसिटर है वहां पे, ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर आपको देना है, मतलब 2 नंबर पे दे देना है इस वाले वायर को। तो ये आपके कनेक्शन हो गए, एक बार आप फिर से समझ लें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या है, न्यूट्रल यहाँ देना है, ये वाला जो ब्लैक वाला वायर है ये न्यूट्रल है, और रेड वाला जो वायर है वो हमारा है फेस,
ये जो ग्रीन वाला जो वायर है वो है हमारा, ये वाला जो वायर है हमारा रनिंग कैपेसिटर का। एक बार हमने 4 नंबर पे दे दिया, दूसरा वाला जो रनिंग कैपेसिटर का जो वायर गया है यहाँ पे हमने 2 नंबर पे दे दिया, ठीक है। ये जो 2 नंबर है यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर जो हमने जो दूसरा वाला वायर दिया है वो कंप्रेसर का रनिंग वो स्टार्टिंग वायर है, ठीक है। पीला वाला जो है कंप्रेसर का स्टार्टिंग वायर है, स्टार्टिंग वायर वहां पे आपको देना है जहां पे आपने रनिंग वायर रनिंग का कनेक्शन किया है, ठीक है। रनिंग वायर जहां से आया है तो ये वायर जो है यहाँ पे हुए, और उसके बाद जो है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक वायर हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, दूसरा वाला यहाँ पे कर दिया। तो आप इसी तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो।